नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का स्वागत है इस वीडियो में। और मैं दोस्तों अभी आया हुआ हूँ यूपी में, जो बाराबंकी के पास में जो मेला लगा हुआ है देवा शरीफ का। चंद्रशेखर भैया 15 मिनट बाद कर रहे हैं। और बहुत अच्छा ये मेला और पुराना ऐतिहासिक मेला लगता है। और यहीं पे मेरे को अश्विन भाई है, उनके लाइन के जो बच्चे हैं वो दिखे हैं, मैं वही आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। बहुत ही सुंदर आप बच्चा ये देख रहे हो। अश्विन भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। नमस्कार प्रदीप भाई। नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बच्चा, अच्छा बच्चा आपने तैयार करके रखा हुआ है मेले में। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आपके देवा मेले की शान है ये। और ऐसे लाइन के अगर बच्चे आपके यूपी में भी अगर अभी आते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से। जी, अभी तो लोगों को बहुत शौक बढ़ रहा है आपके यूपी में भी लाइन वाइन। जी, यूपी में भी अब लाइन का क्रेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, और बढ़ना भी चाहिए। जी 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 जी। तो अश्विन भाई, जैसे इस मेले के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ इस मेले में। ये यूपी में लखनऊ के पास बाराबंकी है, उसी के बाराबंकी में ये देवा मेला लगता है। बिल्कुल, बहुत प्रसिद्ध और हमारे लोगों के कई पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं कि ये मेला लग रहा है और बहुत अच्छा मेला लगता है। छोड़ भैया। अच्छा, मतलब पुराना और ऐतिहासिक मेला है। जी, बहुत 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 100-200 साल पुराना मेला है। घोड़े तो इसमें काफी आते हैं? घोड़े बहुत सारे आते हैं। अश्विन भाई, लायन के जो एनिमल है उनका कितना क्रेज आपके यूपी में, कौन से एरिया में ज्यादा बढ़ रहा है? अब लखनऊ में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, लखनऊ के आसपास। उधर थोड़ा बहुत दिल्ली के आसपास था पहले, सुनते थे, लेकिन अब तो लखनऊ में भी बहुत अच्छे से आने लगा है क्रेज। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अब तो देखो ना, इतने बढ़िया बढ़िया चीज आप भी यहाँ पे, मतलब राजस्थान से यूपी या पंजाब से यूपी तक आप पहुँचे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है मारवाड़ी घोड़ों के लिए खासकर अगर बात करें तो। तो अश्विन भाई, अभी अपना फार्म कहाँ पे है और क्या नाम रख रखा है फार्म का? मेरे फार्म का नाम है अवध स्टड फार्म। अवध स्टड फार्म जी, लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पे त्रिवेदीगंज पड़ता है। ओके जी। और अभी कितने एनिमल है अपने पास में? हमारे पास 2 कोल्ट हैं, 3 घोड़ियां हैं। अच्छा, 3 घोड़ियां हैं और 2 कोल्ट हैं। जी, सब लाइन के ही है? मतलब सब सब लाइन के हैं। अच्छा अच्छा। कोल्ट मेले में लाया हूँ, घोड़ियां घर पे ही हैं। अच्छा, दोनों कोल्ट जो मेले में लेके आए। जी जी। भाई साहब का एक बार परिचय हो जाए। भैया हमारे बड़े भाई है, परम मित्र। अच्छा, आप भी रखते हो घोड़े वोड़े? हम भी घोड़े रखते हैं। अच्छा अच्छा। घोड़ी हमारे पास है भाई साहब। अच्छा अच्छा, मारवाड़ी। अच्छा, एक काली मारवाड़ी घोड़ी है आपके पास? तो और बढ़ाओ शौक, एक से क्या होगा? आप तो अश्विन भाई से कल भैया ने एक मारवाड़ी घोड़ी सेल की है मेले में। अच्छा, ऐसी मेले में? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, ग्रे कलर की थी घोड़ी। चलो बढ़िया बात है। और भाई आप जैसे का शौक बढ़ेगा तो किसानों का फायदा ही होगा कुछ ना कुछ। जी, जी। मैं तो देखो हर वीडियो में किसानों की बात करता ही हूँ, कहीं ना कहीं किसानों के हित में बात करते हैं। अच्छा अश्विन भाई, जानना चाहूंगा ये बच्चे के बारे में, क्या नाम इसका रख रखा है? ये द्रोणा नाम है इसका। द्रोणा? जी जी। ठीक है। और ये रवि जसवा, सो जो फर्स्ट आया था रवि जी, रवि राज। बिल्कुल बिल्कुल, रवि लाइन का, ये उसी का बच्चा है। एक अच्छा ऑस्ट्रेलियन है वो रवि जी, और बहुत अच्छा उसने प्रोड्यूस किया था। जी जी। और वो शायद जसरा शो का विनर भी है मेरे ख्याल से। जी जी जी। तो उसका ये बच्चा हो गया ना। अभी कितनी उम्र का अभी है ये? ये 19 महीने का है। 19 महीने का जी, मिल्क टेथ में ही है अभी जी। अच्छा, आप ये कहाँ से लेके आए थे इस बच्चे? अहमदाबाद से। अहमदाबाद? हमारे मित्र है। अच्छा, उन्होंने ही दिलवाया था, जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई जी, ठीक है, कतलाल। ओके 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 जी। 19 महीने की उसकी उम्र हो गई और अहमदाबाद से लेके आए थे। जी जी। ये ब्रीड वहीं पे हुआ है उनकी? जी जी, वहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। तो इसका साइड तो हो गया रवि ऑस्ट्रेलियन। जी जी। और इसकी डैम के बारे में? ये डैम वो पैलेस लाइन की थी। पैलेस लाइन, उदयपुर पैलेस लाइन। तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का हो गया दोनों तरफ से। जी जी। रवि भी एक बहुत ही अच्छा ऑस्ट्रेलियन है जी, और चैंपियन भी है वो घोड़ा। और इसकी जी, जो डैम है वो पैलेस लाइन की। जी, जी, जी। अच्छा, 19 अभी 19 महीने में क्या हाइट हो गई भैया इसकी? ये 60+ है। 60+ है जी। और मार्किंग 61 के आसपास, लेकिन 60+ ही मानिए, जब अभी 61 छुआ नहीं तो फिर 60+ ही मानिए। 60+ ही है ना। दो पैर व्हाइट है मार्किंग में? हाँ, दो पैर व्हाइट है और ब्लेज है। और ब्लेज है जी। तो अश्विन भाई, क्या है विचार इसका, आपके ऑस्ट्रेलियन बनाना है या क्या है आपके? नहीं, हम तो ऑस्ट्रेलियन बनाने के लिए इसको तैयार कर रहे हैं, यहाँ तो घुमाने लाए थे। इष्ट मित्र सब आए हुए हैं, दोस्त लोग, वो बोले जरूर लेके आओ मेले में।
नहीं तो घर में बांध के क्या मतलब है हमने? देखो ये एनिमल ऐसा है कि दिखाना चाहिए और आपके पास में एक सुंदर चीज है, तो वो मैं तो ये चाहता हूँ आपके, देखो मेले में हर तरीके के लोग आते हैं जी जी जी, तो चीज देखे तो उनको भी शौक थोड़ा सा बढ़ेगा। जी जी, बहुत इसीलिए लाया हूँ कि अब मारवाड़ी की लाइन यहाँ पे चलाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ अधिकतर नुकरे का मेला रहता है लेकिन अब इसको मारवाड़ी लाइन में सबको, अपने इष्ट मित्रों को सबको उतार रहा हूँ, धीमे धीमे एक एक दो दो सबको परचेज करवा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लाइन वेज काम करो तो थोड़ा अच्छा रहता है। जी जी, चलिए अश्विन भाई, बहुत ही अच्छा बच्चा है आपका ये, और उम्मीद करते हैं कि आपके यूपी का नाम, ये लखनऊ का नाम रोशन करे। सब आपका प्यार मोहब्बत है। बिल्कुल, हमारा प्यार तो आपके लिए, आप हमारे प्यार के लिए राजस्थान से लखनऊ आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल अश्विन भाई, बिल्कुल जी। नाम क्या बताया इसका आपने? द्रोणा नाम है। द्रोणा ना जी, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा तो ये हो गया अपने पास में जी जी, और एक और है आपके पास में ग्रे कलर का, एक ग्रे कलर का है, वो भी जरा बता दीजिए मेरे को। जाइए आप बताइए, लगवा दी, वो है लगवा दी, ठीक है बंद ठीक है। अश्विन भाई, एक तो अपने पास में कुमेद हो गया जी जी, रवि का, और एक ये बच्चा है आप जी जी, ये दो कोल्ट आप तैयार कर रहे हो मतलब जी जी, तो पर्पज यही है कि ब्रीडिंग का? हाँ, ब्रीडिंग का शौक भी है। हाँ, ब्रीडिंग तो बात की बात है, नहीं मतलब आगे इनका जो आगे फार्म बनाएंगे अपना पर्सनल, अपने ब्रीडिंग के लिए अब पंजाब राजस्थान ले जाना बड़ा रिस्क रहता है। बिल्कुल, अब इतना बड़ा रिस्क रहता, अब आप समझ ही सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि लखनऊ के आप बहुत बड़े ब्रीडर बनने वाले हो थोड़े बहुत दिनों में। जी जी, तो ग्रे, अश्विन भाई ग्रे कैसे पसंद आया आपको? जी, ग्रे ग्रे जो बच्चा है वो तैयार कर रहे हो आप जी, क्या लगा आपको ग्रे क्रेज है? एक्चुअली अल्बक्स को देख के हमको बहुत अच्छा लगता है, वो तो हाँ, उस घोड़े को तो देख के पूरी दुनिया को देख के, अब अल्बक्स तो खरीद नहीं सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अल्बक्स के तरह तैयार किया जाए, एक अल्बक्स और तैयार हो जाए, वही चीज है, मतलब यही सोच है ना। जी जी, बाकी ग्रे का मैं आपको बता दूं, अश्विन भाई के बहुत बड़ा क्रेज है अभी प्रेजेंट टाइम में, हर देखो लाल काले ये घोड़े तो रखते ही हैं, जी, लेकिन जी, जी। ये ग्रे का जो क्रेज है अभी बहुत चल रहा है जी, और जी। बहुत डिमांड में है ये जी, जी। हर कोई जो ब्रीडर है या कोई फार्म वाला है, ये सोचता है कि भाई एक ग्रे बच्चा मैं भी रखूं जी जी। तो अश्विन भाई क्या नाम रखा हुआ इसका? इसका लेजेंडर बाहुबली नाम है। लेजेंडर बाहुबली जी, टॉप मॉडल है क्या? टॉप मॉडल ही समझ लीजिए, अब ये टॉप मॉडल बनेगा, अभी तो बनेगा मतलब। हाँ, इसको बना के टॉप मॉडल ही तैयार कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये कितनी उम्र का हुआ भाई? ये करीब 19 महीने का, 19 महीने के, मतलब दोनों सेम ही उम्र के हैं। जी जी, अच्छा अच्छा, इसकी क्या डिटेल है? ये जयदेव, जयदेव, ये जयदेव, ये लेजेंडर शेयर भाई आपका देवराम, देवराम गणेश गुर्जर, ग्रैंडसायर आपका जयदेव है, जयदेव जी। अच्छा, ब्रीड वहीं पे हुआ ये? जी जी, ये आदित्य स्टड फार्म निकुंज भाई है, अच्छा, हिम्मत नगर गुजरात। हाँ हाँ जी, वहाँ पे ब्रीड हुआ है ये? वहीं पे ये ब्रीड हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, और इसकी माँ भी हिमालय लाइन की है। हिमालय लाइन जी, हिमालय लाइन की है इसकी माँ, ऐसी है ग्रे एकदम, सेम सेम ग्रे कलर है उसका भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये माँ का मतलब आया इसमें कलर। जी जी जी, ये भी बच्चा बहुत अच्छा तैयार होगा आपके, कान बहुत सुंदर है इसके, छोटे जी, छोटे जी, कान जी। ये तो पूरा जो अल्बक्स वाला कलर है वो कलर हो जाएगा ये जी जी, अभी जी। ये ब्लैकनेस जो बाल है ना इसके, ये पूरे उतर जाएंगे, अभी बच्चा है, अब बच्चे में थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये जब ये पैदा होता है तब को पैदा होने वाले बाल हैं अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, और अब बाकी मेहनत करने पे ये सब हट जाएंगे। मेहनत तो आपकी अभी भी दिख रही है अश्विन भाई, बहुत अच्छी मेहनत है आपकी, और अभी इस उम्र में भी इसकी जो बॉडी आपने मेंटेन कर रखी है जी, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से आपने पाला हुआ है। चलिए ठीक है अश्विन भाई, बहुत ही अच्छा है, आपके दोनों कोल्ट बहुत ही सुंदर है, मेले की शान बने हुए हैं। आपके एक बार कॉन्टेक्ट नंबर मेरे को बता दीजिए। हाइट क्या बताई इसकी? हाइट आपने ये 63 है जी। अच्छा अच्छा, अभी 19 महीने में 63, तो बहुत अच्छी हाइट है जी, जी। आप देख लीजिए, कोई नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, खड़े हुए हैं बगल में, और आप इसका देख लीजिए, लोग बताते हैं लेकिन फीता नहीं रखने देते, लेकिन हम बगल में खड़े हुए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल जी, दिख रही है हाइट जी। और एक बार मोबाइल नंबर आपके बता दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9935935691।
अभी इनसे ब्रीडिंग कब से स्टार्ट करने का प्लान हो रहा है आपका? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अब देखेंगे, तैयार हो रहे हैं, फिर देखेंगे क्या है कैसे है। बिल्कुल। और आप अपने लिए घोड़ियाँ ला रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो उसके बाद फिर उसी पे ट्राई करेंगे क्या होता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है अश्विन भाई, थैंक यू, बहुत अच्छी चीज़ है आपने संभाल के रखी हुई है। भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप जो मेरे लिए राजस्थान से लखनऊ आए, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जी थैंक यू अश्विन भाई, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ये बाराबंकी देवा का जो मेला है वो चल रहा है, और सौदेबाजी छोटे बच्चे के व्यापारी, और सौदेबाजी ये देखिए चल रही है। मियाँ जी को कहा बता देंगे तो कारा वाला।